लगता है शाहरुख खान के लिए बेनामी संपत्ति के तहत मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हमने हमारे ऑडियंस को कुछ समय पहले बताया था कि किस तरह आईटी डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान के अलीबाग वाली प्रॉपर्टी के खिलाफ केस फाइल किया था। हालांकि अथॉरिटीज ने आईटी डिपार्टमेंट के इस केस को रद्द कर दिया था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर शाहरुख के खिलाफ केस फाइल की है और इस बार ऐसा की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट की माने तो शाहरुख पहले ऐसे हाई प्रोफाइल सेलेब होंगे जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के मसले में फंस चुके हैं। जिन्हें इस बारे में नहीं पता, 2016 में बेनामी संपत्ति एक्ट में स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि कोई भी व्यक्ति टैक्स इवेजन से बच ना सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर शाहरुख खान का क्या रिएक्शन आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।